मायावती के पॉकेट में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार, प्रदेश प्रभारी अंतर सिंह राव और कार्यकर्ता राजा भुज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से मायावती पार्टी के पदाधिकारियों के साथ होटल नूर सभा के लिए रवाना हो गए। दरअसल मायावती 24 नवंबर को होने वाले लाल परेड ग्राउंड में बीएसपी को संबोधित करेंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित के सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मायावती दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे, जिसके बाद मायावती वापस होटल लौटेंगे और शाम 4 बजे बीएसपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। विवेक शर्मा स्वास्थ्य संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, बसपा सुप्रीमो मायावती भोपाल पहुंच चुकी हैं, क्या ताजा जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, हम बता दें कि श्री सुप्रीमो मायावती कुछ देर पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन से पहुंची है और वाणी करने की बात करें तो उनके कुछ नेता मौजूद थे, लेकिन सीधे वे ऊपर नहीं आकर नीचे के रास्ते से यहाँ से निकल चुके हैं और आज रात्रि यहाँ विश्राम करेंगे। कुछ कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे होटल के अंदर। कल होने वाले लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल होने की मायावती यहाँ पहुंची। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव सामने, उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए मायावती यहाँ पहुंची है और कह सकते हैं कि एक नया संक्रांत करने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी मायावती पहुंची। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचे थे। लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 2018 चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।